वेलकम टू ऑल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक नई टेक्निक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। 15 मिनट्स मैजिक, 15 मिनट कैंडल है, उसको यूज़ करके किस प्रकार आप ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू ऑल ट्रेडिंग सीक्रेट्स चैनल। इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज़ अंकित दीक्षित, फाउंडर ऑफ ट्रेडिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेशनल ट्रेडर फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जो सब्सक्राइब बटन है वो हर एक वीडियो के नीचे में रहता है, रेड कलर का रहता है, उसको आप दबाएंगे तो वो ग्रे हो जाता है और सब्सक्राइब हो जाएंगे आप मेरे चैनल को, जिससे आप जो भी मैं नया वीडियो में बहुत सारी स्ट्रैटजीज, टेक्निक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और नॉर्मल जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें आप डेफिनेटली नोटिफाइड रहेंगे। यहाँ बेल आइकन भी दबा सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे स्ट्रेटजी। सो इन दिस स्ट्रेटजी ऑल यू नीड इज़ अ 15 मिनट कैंडल। जो दिन का शुरुआत हो रहा है उसका पहला 15 मिनट कैंडल आपको चाहिए। नो नीड फॉर एनी अदर इंडिकेटर, कोई और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आप फर्स्ट हाउ टू पिक अ स्टॉक, आप कैसे पिक करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। तो आखिरी तक देखिए वीडियो को, मैं थोड़ा एक लाइव एग्जांपल टाइप भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो अबाउट द स्ट्रेटजी, देर आर नो इंडिकेटर्स। 70% करीब एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटजी की। यानी अगर आप सही से अप्लाई करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा अप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा हो सकता है। और 0.5% का टारगेट मैं देता हूँ इसमें अपने स्टूडेंट्स को, 0.3% स्टॉप लॉस में सजेस्ट करता हूँ। या फिर आप अगर थोड़ा रिस्क की, अगर आप थोड़ा ले सकते हैं ट्रेड और थोड़ा अपने गट इंस्टिंक्ट उन सबको यूज़ करके, अगर आप लग रहा है कि आज ऊपर और जा सकता है तो 1% टारगेट भी आप यूज़ कर सकते हैं और 0.5% स्टॉप लॉस। तो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड देखना भी बहुत ज़रूरी है, उसको दिमाग में रखिए। और साथ के साथ में जो अपना जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको डिफाइन करते हुए आप इम्प्लीमेंटेशन करिए। तो जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उसमें बेसिकली जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दैट इज़ 1:2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। सो ये एक एग्जाम्पल है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, ऑल यू नीड इज़ अ 15 मिनट कैंडल। सो दिस इज़ लेट्स टॉक अबाउट दिस डे, राइट। दिस इज़ 23rd of July। अब देखिए करना ये है कि आपको जैसे ही दिन शुरू हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 9:30 PM जब आपकी पहली 15 मिनट, सॉरी 9:30 AM जब आपकी पहली 15 मिनट वाली कैंडल बन जाती है, तो फिर आपको देखना है कि उसका हाई क्या है वहाँ पे एक लाइन बना लीजिए और उसका लो क्या है वहाँ पे लाइन बना लीजिए, ठीक है। फिर आपको वेट करना है कि जो स्टॉक प्राइस है वो क्या ऊपर वाले हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर नीचे वाले लो को ब्रेक कर रहा है, तो उसके लिए आप वेट करिए। और जैसे ही ऐसा होता है कि वो ऊपर वाला हाई को ब्रेक कर रहा है तो आप बाय पोजीशन बनाइए, और अगर वो नीचे वाले लो को ब्रेक कर रहा है तो आप सेल पोजीशन बनाइए। तो आप देखिए इस केस में यहाँ पे अगर आप इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे लाइन है, तो इसने जैसे ही सेल को ब्रेक किया, करीब करीब यहाँ पे 1273 1272 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली जब इसने ब्रेक किया, और ये देखिए यहाँ तक गया है विच इज़ 1265 अप्रॉक्सीमेटली 1264 1265 रुपीज़ तक ये पहले ही चला गया है नेक्स्ट 30 मिनट्स में। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा और होल्ड करते इस ट्रेड को, तो फिर आपके देखिए स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। स्टॉप लॉस आप मानिए 0.3%, तो करीब करीब यहाँ होगा स्टॉप लॉस आपका। तो स्टॉप लॉस ये वापस ऊपर आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, वापस नीचे गया, और देखिए जो उससे भी ज़्यादा इसने आपको रिटर्न दिया, तो करीब करीब 1262 तक गया ये अपना L&T का शेयर। L&T का शेयर है उसके बारे में बात करें तो ये रही 23rd जुलाई की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से 24 जुलाई, सेम थिंग। 15 मिनट्स होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 9:30, तो 9:50 AM 15 AM में आपका मार्केट खुलता है। 15 मिनट्स के बाद जब भी कैंडल बन चुकी है 9:30 AM पे, लगभग यहाँ पे स्टॉक प्राइस, आपने यहाँ लाइनें खींच ली, ठीक है। अब जैसे ही आपने लाइनें खींची, अब देखिए इसने आपके
जो हाई है उसको ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, ये ऊपर गया, आपने यहाँ पे पहले ही आया तो आप पहले ही ऑर्डर दे के रख सकते हैं कि जैसे ही हाई ब्रेक करे थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप अपने आप ऑर्डर लग जाए, और या फिर आप वेट करिए कि ब्रेक करने के बाद पोजिशन लें। अब इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया और फिर ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, बट अगेन स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस अगर आप जो 0.3% है वहाँ रखते हैं तो करीब करीब यहाँ आएगा। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो दूसरा मैंने बताया कि 0.6% थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ नहीं और इसके नीचे तक आएगा। बट एनी वे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये नीचे आया, फिर से इसने अपने कंसोलिडेट किया अपने आप को और फिर ये ऊपर गया, और आप देखिए कहाँ तक गया है, ऊपर बहुत ऊपर तक गया है। तो इस प्रकार आप ऐसे पोजिशन बना सकते हैं। ये था 24 जुलाई, एक दिन पहले का भी देख सकते हैं। सेम थिंग देखिए, आपने यहाँ पे लाइन बनाई, फिर ये ऊपर गया और देखिए ऊपर तक आपको इतना बेनिफिट दिया। बट ज़्यादा लालच नहीं करिए, 0.5% है तो 0.5% रखिए। अगर आप 1% थोड़ा रिस्की लेना चाहते हो तो 1% रखिए, बट एग्जिट करिए। ऐसा नहीं कि ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करिए। और सिमिलरली आप ये देख सकते हैं 19 जुलाई, सेम थिंग, राइट, सेम थिंग, ये नीचे आया, इसने ब्रेक किया और देखिए किस तरीके से नीचे आया। तो लेट्स सी सम लाइव एग्जांपल्स। अब ये देखिए मेरा ये अकाउंट खुला हुआ है, लेट्स सी। अभी तो LNT के तो हमने देख लिए एग्जांपल्स, लेट्स सी जेट एयरवेज में अगर कुछ दिखता है तो जेट एयरवेज में जैसे कि अब ये देखिए 25 जुलाई में आपने यहाँ पे लाइन बना ली, पहले 15 मिनट, ये 15 मिनट का कैंडल सेट है, यहाँ से आप ऊपर से टाइम बदल सकते हैं। यहाँ पे आपने 15 मिनट मान लो फॉर एग्जाम्पल सेट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम लाइन बनाते हैं, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल में जाइए और उसके बाद में यहाँ पे जैसे ये अपना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, वरना ये यहाँ पे आपने ये यहाँ पे एक लाइन बनाई और अगेन सेम थिंग, ये हाई और लो पे आपने लाइन बना ली पहले 15 मिनट के कैंडल के बाद। और देखिए इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ये लगभग 316 रुपये करीब आपका बना है। और देखिए ये पहले इतना नीचे गया, यहाँ तक गया, आई थिंक यहीं पे ही, एक सेकेंड, ये आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ ऊपर पढ़ सकते हैं कहाँ तक गया है। ये देखिए इसका लो गया है 311 रुपये, और करीब करीब 315 रुपये में आप घुसे थे, और 315 का अगर आप आधा परसेंट करते हैं तो लगभग 1.5 रुपये करीब आता है, तो लगभग 313.5। लेकिन ये उससे भी नीचे चला गया, आप देख सकते हैं, यानी करीब करीब उसी वक्त 15 मिनट में आपको रियलाइज़ हो जाएगा आपका 0.5% का टारगेट। अगर आप थोड़ा और कंटिन्यू रखते हैं तो उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, बट अगेन उसमें लॉसेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डेफिनेटली हर बार ये कोई पॉजिटिव रहेगा, कभी कभार नेगेटिव भी होता है, बट आपको उस हिसाब से अपना ट्रेड करना है, ठीक है। आप देखिए सिमिलर थिंग और किसी दिन का भी देख सकते हैं, और ये देखिए उसके बाद वाला दिन का है, उसके बाद भी सेम यहाँ पे ये हाई है, इसने हाई ब्रेक किया और देखिए उसी इमिजिएटली जैसे ही अगर आपने यहाँ पे 0.5% के साथ रखा है तो ये उसी वक्त आपको जो आपका टारगेट है, अगर ये देखिए 308 रुपये में है तो 1.5 रुपये करीब जो अपन ने कैलकुलेट किया 0.5%, उसी वक्त 1.5 रुपये, 308 से 1.5 रुपये, तो ये 310.5 पे ये तो क्लोज हुआ है, यानी लगभग ये आपको उसी वक्त आपको उतना दे रहा है, या आपको जो आपका टारगेट है वो अचीव हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, यानी ज़्यादा आपको कुछ इंडिकेटर्स देखने नहीं है, बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। आपको 15 मिनट कैंडल के बाद पोजीशन बना लिए हैं, बना लेनी है, और उसके हिसाब से आपको स्टॉक पे पोजीशन बना के रखनी है। और ये सिंपल है, यानी प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं वो भी कर सकते हैं। सुबह सुबह ऑफिस में आप गए और आपने पोजीशन ले लिया, और फिर फटाफट देखिए करीब जल्दी, बहुत ही जल्दी जैसे ये ब्रेक होता है उसके बाद ही थोड़े समय में पोजीशन आपकी। अब देखिए सन फार्मा लिया मैंने, इसमें भी देखिए 26 जुलाई का ये लो है, ये हाई है, और इसने जैसे ही अपना एक सेकेंड बनाते हैं तो ये बना लो, ये हॉरिजॉन्टल, ये हाई, जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ यहाँ पे आपने पोजीशन का ऑर्डर दे रखा है, और ये 500 रुपये करीब है तो इसका 250 रुपये करीब होगा अपना। और ये देखिए हमने पोजीशन बनाई यहाँ पे, आप देख सकते हैं 557 पे करीब,
और 2.5 रुपये के हिसाब से 559। और जबकि आप ये हाई यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा ये देखिए हाई करीब करीब 560, तो 560 तक का हाई इसका चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, यानी जो आपकी बेनिफिट है वो उसी वक्त निकल जा रहा है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि उसी वक्त निकल जाता है। आप देखिए कितना बढ़िया चांस है यहाँ पैसे बनाने का, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का हिसाब है नहीं। तो यही सेम चीज़ आप बाकी उसमें भी देखिए, बाकी जगह ट्राई करिए। देखिए ये हाई बना है, ये लो बना है, इसने यहाँ ब्रेक किया है। अभी हिंडाल्को है 200 रुपये, स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो 200 रुपये का 0.5% समवेयर अराउंड 1 रुपये लगभग। तो ये देखिए इसका, इसमें भी आपको यही 15-20 मिनट में ही आपको यहाँ पे करीब आपका हो जा रहा है। तो 209 रुपये में आपने जैसे ऑर्डर प्लेस किया है, और ये देखिए करीब 207.8। तो देखिए उसके अगले ही मोमेंट में ये देखिए इसका जो लो गया है वो आपको दे रहा है कि भाई आपकी पोजीशन बन जा रही है। तो ये देखिए करीब 207.85। तो देखिए सिमिलरली उसके एक दिन पहले देखिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, 70% डेफिनेटली वर्क करती है, और इस और भी ज़्यादा कर सकती है। थोड़ा स्मार्टली यूज़ करिए, देखिए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है स्टॉक का, वो सबको देख के आप देख सकते हैं कि और बेनिफिट भी कमा सकते हैं। 0.5% पे स्टार्ट करिए पहले, उसके बाद फिर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये रही बेसिकली आइडेंटिफाई करिए की लेवल्स को, और उसके बाद फिर थोड़ा कहीं रिवर्सल वगैरह है तो उसके बाद भी देखिए, पेपर ट्रेडिंग करिए पेपर में, यानी बेसिकली आप रियल ट्रेड मत करिए, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो सी 15 मिनट्स कैंडल, सी द 15 मिनट कैंडल एट अराउंड 9:30 PM, लिखा है AM होना चाहिए AM, एंड मार्क फर्स्ट कैंडल हाई और लो, जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और लो को मार्क करिए, और फिर गेट इन पोजिशन आफ्टर द फर्स्ट कैंडल। जैसे ही वो अबव एंड बिलो द हाई और लो जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर जाता है, तो फिर इमिजिएटली मार्क करिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करिए टू अवेल प्रॉफिट्स। अगर नए ट्रेडर हैं तो फिर आप यानी क्लियर कट 0.5% के हिसाब से ही चलिए, और फिर स्लोली आप 1% करिए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करिए ताकि बेनिफिट मिले। बैक टेस्ट करिए स्ट्रेटजी को, खुद ही करिए पहले आप अपने खुद ही ट्राई करके देखिए कि अगर मैं ये करता लास्ट के कुछ दिनों में अपने स्टॉक्स में तो फिर क्या होता, और फीडबैक दीजिए वीडियो के नीचे में, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। तो होप आज की वीडियो स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगता है ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं शेयर कर पा रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया आप लोगों के साथ। कमेंट करिए जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है स्ट्रेटजी के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर एंड मोर टिप्स एंड इंडिकेटर्स। थैंक यू सो मच, ट्रेड वेल।